हेलो बच्चों, क्लास 12th में बायो में आपका 5th चैप्टर कंटिन्यू है, वंश वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इसमें काफ़ी पॉइंट्स पढ़ लिए थे आपने। पिछले बार वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा था, जो कि एक सेक्स क्रोमोसोम के कमी के कारण होने वाला रोग है। आगे पढ़ रहे हैं आप फिनाइल कीटोनूरिया, ये भी उसी तरह का एक क्रोमोसोम की गड़बड़ से होने वाला अनुवांशिक रोग है। आइए पढ़ते हैं आगे। ये जन्मजात उपापचय, उपापचय का मतलब है एपिटाइटल या जो डाइजेस्टिव है उसकी त्रुटि से भी अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण की भांति ही वंशागति प्रदर्शित करती है। रोगी व्यक्ति में फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल को टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने के लिए आवश्यक एक एंजाइम की कमी हो जाती है। एक एंजाइम कम हो जाता है जो कि फिनाइल एनिलिन को अमीनो अम्ल को टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदले। इसके परिणाम स्वरूप फिनाइल एनिलिन एकत्रित होता रहता है और फिनाइल पाइरूविक अम्ल तथा अन्य व्युत्पन्नों में बदलता जाता है। इसके एकत्रीकरण एमलाइजेशन या एकत्रीकरण से मानसिक दुर्बलता आ जाती है। वृक्क द्वारा कम अवशोषित हो सकने के कारण ये मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है, तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। और परिणाम क्या होता है कि ये यूरिन के साथ निकलता रहता है, और जिसकी वजह ये कारण है बेटा। उसके बाद है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी गुणसूत्रों की गड़बड़ से है। ये भी एक अलिंग क्रोमोसोम के संलग्न प्रभावी और जीन रक्त विकार है, जो जनकों से संतति को वंशानुगत प्राप्त होता है, जबकि जनक युगल के दोनों सदस्य अप्रभावी जीन के वाहक अथवा विषम युग्मजी होने के कारण अप्रभावित रहते हैं। ये विकार या तो उत्परिवर्तन अथवा विलोपन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन बनने वाले ग्लोबिन की एक श्रृंखला अल्फा तथा बीटा की संश्लेषण दर में कमी आ जाती है। परिणामतः विकृत हीमोग्लोबिन का संश्लेषण हो जाता है तथा रक्ताल्पता एनीमिया की कमी हो जाती है, जो एक रोग का अभिलक्षण है। थैलेसीमिया रोग का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है कि हीमोग्लोबिन अणु की कौन सी श्रृंखला प्रभावित हुई है। अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा ग्लोबुलिन श्रृंखला का उत्पादन प्रभावित होता है, जबकि बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबुलिन श्रृंखला प्रभावित